हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं हूँ रामेश्वरी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूरन की सब्जी बनाने की रेसिपी, जिसे जिमीकंद भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिमीकंद बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सूरन, जिसे जिमीकंद कहते हैं। तो ये हमने लिए हैं 200 ग्राम, और इसे हम सबसे पहले बॉईल कर लेंगे कुकर में। और क्योंकि इसे पकाने में खुजली होती है छूने में, तो इसीलिए अभी हमने इसे छीला या कट नहीं किया है। हम इसे पहले बॉईल करेंगे कुकर में, और इसमें हम डालेंगे आधा नींबू का रस, जिसके कारण जो खुजली होती है हाथों में, इचिंग होती है, वो नहीं होगी। और अब हम इसे गैस में पका लेंगे एक सीटी आने तक, क्योंकि इसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए हम केवल एक सीटी लगाएंगे। तो देखिए ये हो चुका है। तो अब हम हाथों में तेल लगा लेंगे, जो भी तेल हो, और अब हम इसे छील लेंगे। अब ये देखिए आसानी से छील जाएगा, और इससे किसी तरह का कोई भी खुजली या ईचिंग अब हमारे हाथों में नहीं होगी। ग्रेवी बनाने के लिए हम 2 प्याज, 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, 10 से 15 लहसुन की कलियां और 2 टमाटर हमें चाहिए होगी। और देखिए अब ये हमारा छील के कट चुका है सूरन, तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। हमने सरसों का तेल यहाँ पर लिए हैं, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम ग्रेवी बनाएंगे, तो तेल गर्म है, तो अब हमने इसमें 2 लहसुन की कलियों को बारीक कट करके डाल दिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 पत्ता तेजपान का और 2 काली मिर्च। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट। और अब इसके बाद हम इसे पका लेंगे अच्छे से। प्याज पकने के बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर। मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें इन्हें अच्छे से भून लेना है। अब इसमें हम 2 टमाटर हमने जो बारीक कट करके रखे हुए हैं उसे ऐड कर लेंगे, और अब इन्हें अच्छे से सारे मसालों को हमें पका लेना है। हम यहाँ थोड़ा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले और टमाटर अच्छे से पक सकें। तो टमाटर थोड़े मुलायम हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, और इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिलाइए, हमने यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक ऐड किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला अच्छे से पक चुका है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे सूरन, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे मसाले में थोड़ी देर अच्छे से पकने देना है, ताकि इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो सके। तो देखिए इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमने इसमें थोड़ा ही ऐड किया है, बहुत ज़्यादा पानी ना मिलाएं।
पानी ऐड करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे और तैयार है सूरन की सब्जी। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और अगर आप हमारे बताए गए तरीके से इसे बनाएंगे तो किसी भी तरह की खुजली की परेशानी या इचिंग नहीं होगी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।